इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये प्रॉब्लम हुआ होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेट में वॉर्म्स की या कृमि की। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम एक बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। इस वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर वॉर्म्स हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आई एम श्योर कि ये मेडिसिन यूज करने से बहुत जल्दी जो वॉर्म्स की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा दवाइयों में जाने से पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जनरली जो वर्म्स की हम बात कर रहे हैं, इसको थ्रेड वर्म्स भी बोला जाता है या पिन वर्म्स भी बोला जाता है। व्हाइट कलर के होते हैं। बिल्कुल व्हाइट कलर के, बिल्कुल धागे के जैसे ना, पतले पतले निडल के जैसे ये दिखते हैं। तो अगर ये दिखता है इसका मतलब उस बच्चे को पिन वर्म्स है, थ्रेड वर्म्स है। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको मालूम पड़े कैसे, हाँ कैसे आप समझेंगे कि आपके बच्चे को वर्म्स है। बिल्कुल, सबसे पहला सिम्टम जो है बहुत कॉमन सिम्टम है, अगर वो उसके शौच के रास्ते में उसको खुजली होती है, इचिंग एट एनल एरिया स्पेशली एट नाइट, रात के समय में देखेगा कि वो अगर खुजाता है। अच्छा, इसके साथ साथ खुजाने के साथ साथ वो रात को ना दांत को किटकिट करता है, जिसको हम चैटरिंग ऑफ टीथ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बोला जाता है। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बोला जाता है, यानी जब वो रात को बच्चा सोता है तो दांत से इस तरह की एक आवाज आती है, यानी वो दांत कटकटा रहा है, जिसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है। इसके अलावा उस बच्चे की भूख जो है ना, वो कई बार तो कम जाती है लेकिन ज्यादातर केस में भूख काफी बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसका जो खाना है वो सारा वो वर्म्स ही खा जाता है। तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार वो भूख शिकायत करते हैं, मुझे कुछ खाना चाहिए। कई बार क्या है, पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा बहुत खाना खा रहा है, बट ये कई बार ये एक मिसलीडिंग हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा पेट दर्द जो है ना, वो कई केसेस में रहता है। बच्चों को पेट दर्द बार बार होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। मीठा मीठा सा दर्द जो है वो नाभि के और उसके एरिया में रहता है। और इस टाइम पे जनरली बच्चा क्या है, मीठे की बहुत चाहत होती है उसको, बहुत मीठा खाना वो पसंद करता है। अच्छा, इसको ये सब तो हो गए कि सिम्टम्स हो गए, एक चीज और दिखता है जो बच्चे में, वो है कि गाल के एरिया में ना व्हाइट कलर के पैचेस दिखते हैं। तो कई बार ये देख के भी समझ में आ जाता है कि उसको वर्म्स है। बच्चा चिड़चिड़ा भी रहता है, कई बार हमने देखा है कि चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है कि उसको वर्म्स हो सकता है। ये सिम्टम्स के लिए आप जरूर नोट कीजिएगा। दूसरे, अच्छा इससे प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हमने बताया कि उसको बार बार भूख लगती है, तो भूख लगती है इसका मतलब जो वो खा रहा है वो उसके शरीर में लग नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उसका जो खाना है वो सारा वर्म्स ही चूस जाते हैं। तो उसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन, और जिसकी वजह से वेट लॉस भी होता है कई बच्चों में। कई बच्चों का वेट बढ़ता नहीं है, एकदम पतले से बच्चे रहते हैं और शिकायत करते हैं पेरेंट्स की इसका वेट नहीं बढ़ता है, फिर उसको वर्म्स जो है वो उसके कारण उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि बच्चा, जैसे हमने बताया कि रात को ना उसको एनल एरिया में इचिंग रहता है और दांत वो किटकिटाता है, तो उसकी जो नींद है वो कई बार डिस्टर्ब रहती है। तो बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब स्लीप उसका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में और पढ़ाइयों में वो डाउन रहता है, मन नहीं लगता है उसका कई बार। तो ये जो बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये कुछ इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ वर्म्स। अब हम इसके मेडिसिन में आते हैं। इसकी मेडिसिन में दोस्तों बहुत ही सिंपल आपको एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे, ये मेडिसिन आप लेंगे तो आपके बच्चे को वर्म्स से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, तीन मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। बिल्कुल, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आपको 30 ml लेके आनी है। बिल्कुल, और इसको रोज सुबह खाली पेट में 2 बूंद आपको देनी है अपने बच्चे को। बिल्कुल, सुबह सुबह जैसे ही आपके बच्चे की नींद खुलती है तो पहले मुंह साफ करवा के आपको 2 बूंद दवाई पहले सुबह सुबह दे देनी है। बिल्कुल, ये है लाइकोपोडियम। दूसरी दवाई है TMV, ट्यूक्रियम मैरम वैरम। बिल्कुल, ये दवाई आपको 6 पोटेंसी में लेके आनी है, 6 CH। बिल्कुल, इस पोटेंसी में आपको लेके आनी है और 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को आपको देनी है। बिल्कुल, खाली पेट में। बिल्कुल, और तीसरी दवाई है सीना, ये आपको 30 पोटेंसी में आपको लेके आनी है और वही 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। पहले आप TMV ट्यूक्रियम मैरम वैरम आपको देना है, उसके 10 से 15 मिनट बाद दूसरी दवाई सीना 2 बूंद ये भी आपको देनी है सुबह और शाम को। बिल्कुल, तो ये तीनों दवाई जब आप लेंगे तो कुछ दिन में या कई बच्चों में कुछ सप्ताहों में आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे को जो भी शिकायतें थी, जैसे
एनल एरिया में इचिंग हो या बहुत ज्यादा भूख लगना हो, यानी एक्सेसिव हंगर हो, या फिर मीठे की बहुत ज्यादा इच्छा हो खाने की, वो साथ में ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, ये सब प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगी। तो जैसे इन सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाएगी, आप ये एश्योर हो सकते हैं कि उसका जो वर्म्स का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो गया है। तो जैसे आप ये नोटिस करेंगे कि ये सिम्टम्स सारे चले गए हैं, उसके बाद एक वीक तक कंटिन्यू करके आपको ये मेडिसिन बंद कर देनी है। दोस्तों एक दो बात मैं इसमें ऐड कर दूंगा, देखिए अगर आपके घर में दो तीन बच्चे हैं तो सबको ये दवाई खिलाइए, क्योंकि मोस्ट लाइकली सबको हो गया है, ये एक बच्चे को होने से बाकी बच्चों को भी ये हो जाता है। दूसरी बात है अनारस का जूस जो है वो बहुत ही, इसमें पाइनएप्पल जूस वो एक तरह से इसके लिए रामबाण की तरह काम करता है, तो इस दवाई के साथ में पाइनएप्पल जूस भी अगर पॉसिबल है तो जरूर से बच्चे को दीजिए, उसके जो वर्म्स है ना वो सारे निकल जाएंगे। अच्छा तीसरी बात एक और है, बच्चों के नाखून जो है ना, नाखून को आप ट्रिम कर दीजिए। जनरली क्या होता है, एनल एरिया में इचिंग करते हैं और नाखून अगर बड़े होते हैं तो जो किरमी होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, उनके अंडे जो है वो नाखून में अटक जाते हैं, और जब वो खाना खाते हैं फिर से तो वो जो वॉर्म्स है वो पेट में वापिस जा सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ बच्चे खेलते हैं तो एक बच्चे से वो जो अंडे हैं वो अगर दूसरे में चले गए, उसने इंजेस्ट कर लिए, तो उनको भी फिर वॉर्म्स हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस चीज का ध्यान रखिए, उनके नाखून थोड़े से आप ट्रिम कर दीजिए। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी डाउट्स हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।